गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्नैपशॉट का लेसन 3 पढ़ रहे हैं। रंगास मैरिज, रंगा की शादी या रंगा का विवाह। ठीक है, रंगास द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड एमंग द विलेज फोक हु हैज बीन टू द सिटी टू पर्स हिज स्टडीज। रंगा अकाउंटेंट लेखाकार का बेटा गांव वालों के बीच एक अनूठा व्यक्ति है जो शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गया है। व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बंगलोर, जब वह बंगलोर से गांव लौटता है, द क्राउड विल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज सेंस आर नॉट। भीड़ उसे देखने के लिए उसके घर पर जमा हो जाती है कि क्या वह बदल गया है अथवा नहीं। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट आर दे। विवाह के बारे में उसके विचार अब बिल्कुल भिन्न हैं अथवा क्या सचमुच भिन्न है। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage. जब आप इस शीर्षक को देखेंगे, आप में से कुछ लोग शायद पूछ बैठे रंगा का विवाह। Why not? क्यों नहीं? रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया, रंगनाथ विवाह अथवा रंगनाथ विजय। वेल एस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर मंथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याणम। जी हाँ, सही। मैं जानता हूँ कि मैं कोई अन्य बड़ा नाम सोच सकता था जैसे जगन्नाथ विजय अथवा गिरजा कल्याण, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री ऑफ गिरजाज वेडिंग। पर यह कथा जगन्नाथ के विजय अथवा गिरजा के विवाह की नहीं है। इट इज अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। या तो हमारे अपने रंगा के विवाह से जुड़ी है और इसलिए किसी आकर्षक शीर्षक की जरूरत नहीं। खुशहाली इज अवर विलेज, खुशहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने यह नाम सुना ही होगा। नो नहीं, व्हाट अ पिटी, कैसी दयनीय बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, पर इसमें आपका दोष नहीं। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। इसका जिक्र किसी भी भूगोल की पुस्तक में नहीं है। इट इज नॉट योर दोज सर्विस दो साहिब इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में रहने वाले साहबों को राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखते हैं। प्रॉब्ली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, शायद जानकारी ही नहीं कि कोई ऐसा स्थान अस्तित्व में है और इस कारण अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट वे जिक्र नहीं करते, हमारे अपने लोग ही इसे भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज, आप जानते हैं कि वे किस प्रकार के लोग हैं। दे आर लाइक अ फॉक ऑफ शीप, वे तो भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन शीप वॉक इंटू अ पिट, एक भेड़ यदि गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, तो शेष भेड़ भी अंधी बनकर
उसके पीछे कूद जाती हैं, ठीक है ना। वेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड अवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट, जब इंग्लैंड में रहने वाले साहबों और हमारे अपने भूगोल लेखकों ने इस गांव का जिक्र नहीं किया, यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि नक्शा बनाने वाले इसे याद रखकर नक्शे में दिखा देगा। कैन यू एंड सो देयर इज नॉट टू इवन द साइडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप, क्या आप आशा कर सकते हैं और इसी कारण किसी भी नक्शे में इस गांव की छाया भी नहीं देखने को मिलेगी। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, क्षमा कीजिएगा मैंने कहाँ से प्रारंभ किया था और फिर किसी दूसरी दिशा में बहक गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, व्हाट द स्वीट करियड, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से ही वही संबंध है जो करिया लागू का त्यौहार के भोज से है। What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick in my opinion. I am not What I have said is absolutely true. मैंने जो कहा वो वास्तव में true है, सत्य है, ठीक है ना। I will not object in any questioning it bit, but I will stick to my position. मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस पर शंका करें, प्रश्न पूछेंगे, तो मैं विरोध या ऐतराज नहीं करूंगा। I am not the only one who speaks grumbly of Hoshali. मैं परमय होशाली के बारे में अपनी राय पर दृढ़ बना रहूंगा, ठीक है ना। I am Not the only one who speaks. मैं एक अकेला व्यक्ति नहीं हूँ who speak grooming आप होशाली, जो होशाली की तारीफ करता है। We have a doctor in our place. हमारे गांव के एक डॉक्टर हैं। उनका नाम गुणभट्ट है। He agrees with me. वह भी मुझसे सहमत हैं। He has been to quite a few places. वह अनेक स्थान घूम आए हैं। No, not England. नहीं, England नहीं गए हैं। If anyone asks him whether he has been there, he says no, अन्यन्य। यदि कोई उससे पूछता है क्या तुम वहाँ गए थे, तो वह कहता है नहीं, अनन्य। I have left that to you. मैं ये वह काम तुम्हारे लिए छोड़ रखा हूँ। Running around like a flipped dog, पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह है। मारे मारे फिरना मेरा काम नहीं है। Is not for me. I have seen a few places in my time though. As a matter of fact, he has seen many. यद्यपि मैंने अपने जीवन काल में अनेक स्थान देखे हैं, वास्तव में उनसे बहुत से नगर देखे हैं।
वी हैव सम मैंगोज ट्री इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के वृक्ष हैं, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। कभी हमारे गांव आओ, मैं आपको उन वृक्षों से तोड़कर एक कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसे खाना मत। जस्ट एक अ बाइट, केवल एक टुकड़ा काटो। दस सरंग इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर, उसका खट्टापन शर्म सॉरनेस मतलब खट्टापन निश्चित रूप से सीधा आपके स्टेट टू योर ब्रह्मरंध, सीधा आपके ब्रह्मरंध में पहुंच जाएगा। आई वंस टू वन सच टू होम एंड चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, एक बार मैं वह फल घर ले आया और मैंने उसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसे खाया। द कप वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कप मेडिसिन, उसके कारण हम सबको भयानक खांसी हो गई जब मैं उसके लिए कप सिरप लेने गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तो डॉक्टर ने मुझे उस फल की विशेषता के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस प्रकार आम विशेष फल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास सभी कुछ विशेष हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव में, हमारे गांव के तालाब में एक बेल उगती है। इट्स फ्लावर आर फेस्ट टू बीहोल्ड, उसके फूल आँखों के लिए किसी भोज जैसा आनंद देते हैं। गेट टू लीव फ्रॉम द क्रीपर वेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, उस बेल के दो पत्ते ले आओ जब भी वहाँ स्नान करके आओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और उसको आपको शाम के भोजन को परोसने के लिए पत्ते लाने की परेशानी नहीं है। नहीं, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव सो ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और आपको शाम के भोजन को परोसने के लिए पत्ते लाने की परेशानी नहीं है, नहीं उठानी पड़ेगी। यू विल से आई एम रंबलिंग, आप कहेंगे कि मैं मूलवास से इधर उधर भाग रहा हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट वेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप, सदा ही ऐसा होता है जब मैं अपने गांव की चर्चा करता हूँ। बट इनफ, पर काफ़ी हो चुका। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि आपको वहाँ आने की इच्छा हो, ड्रॉप मी अ लाइन, मुझे लाइन लिख देना, पत्र लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर हॉस्पिटैलिटी इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, मैं आपको बता दूंगा खुशहाली कहाँ स्थित है और वहाँ की चीज़ें किस प्रकार की हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, किसी भी स्थान को भली प्रकार से जानने का सर्वोत्तम तरीका है कि उसे देखने जाओ। आई डोंट यू एग्री, आप मेरी बात से सहमत हैं। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना 10 वर्ष पहले घटी। We did not have many people who knew English
उन दिनों हमारे यहाँ अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम थी। देन अवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बंगलोर टू स्टडी। हमारे गांव का लेखापाल पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बंगलोर भेजने का साहस किया। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्टेट। अब तो स्थिति भिन्न हो चुकी थी, अंग्रेजी जानने वालों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। इट इज डिफरेंट नाउ, अब तो स्थिति भिन्न हो चुकी है। देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश। अंग्रेजी जानने वालों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। छुट्टियों के दिन आपको हर सड़क पर लोग टॉकिंग इन इंग्लिश अंग्रेजी में बातें करते मिल जाएंगे। दोज़ डेज़ वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश, ना ही वर्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, ना ही कन्नड़ बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। What has happened is disgraceful। जो परिवर्तन आया है वह सर्वनाश है। Believe me, मेरा विश्वास कीजिए। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। मेरा उस दिन मैं रामाराव के घर पर था जब जलाऊ लकड़ी का एक गट्ठर लाया। He asked the woman, how much should I give you? उन्होंने ही आज द वोमेन उन्होंने वोमेन से और महिला से पूछा कि इसका कितना पैसा गिव यू, हम इसका कितना दें। फोर पीस, चार पैसे। सी सेड, उसने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। बच्चे ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। ठीक है ना, चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसने कहा कि वो अगली सुबह आए। द पुअर वूमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हिमसेल्फ। वह बेचारी महिला को छुट्टा पैसा या चेंज का अर्थ पता नहीं था। वह बुदबुदाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे भी पता ना था। लेटर वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, बाद में जब मैं रंगा के घर गया तथा उससे अर्थ पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट, तब मुझे उसका अर्थ समझ में आया। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, इस अमूल्य चीज। अंग्रेजी भाषा का प्रचलन, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड ऑन आवर विलेज अ डेसेंट एगो। आज से 10 वर्ष पूर्व, डेसेंट मतलब दशक, 10 वर्ष पूर्व व्यापक न था। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही कारण था कि रंगा की घर वापसी एक बड़ी घटना बन गई। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके डोर स्टेप यानी दरवाजे पर यह घोषणा करते चल पड़े, द अकाउंटेंट सन हैज कम, लेखापाल का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर। वही लड़का बेटा जो पढ़ाई के लिए बंगलोर गया था, इट सीम्स एंड कम रंगाज हियर
आज चलो रंगा लौट आया है, चलो लेट अस गो एंड हैव अ लुक, चलो चलकर उसे देखें। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू बेंड एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्ट, भीड़ से आकर्षित मैं भी चल दिया तथा आंगन में खड़ा होकर पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं। दे आर नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर का तमाशा तो नहीं होने वाला है। ए बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रांड सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, एक लड़का जिसका दिमाग था ही नहीं इतनी ऊंची आवाज में बोला सभी लोग सुन लें। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, फिर आप सब यहाँ क्या कर रहे हो। आई यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, यह बालक जो अपरिपक्व था तौर तरीकों से अनभिज्ञ था। थिंकिंग ए दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, यह सोचकर कि मेरी बातें पुराने जमाने की हैं, आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। सिंस सीइंग सो मैनी पीपल देयर रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, यहाँ वहाँ इतने लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल आया। हैड बी ऑल गॉन इनसाइड, यदि आप सभी अंदर चले गए होते द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, तो वह स्थान कलकत्ता की अंधेर कोठरी बन गया जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट, परमात्मा का ईश्वर का शुक्र है कि ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन सिक्स मंथ एगो, हर व्यक्ति यह देखकर विस्मित रह गया कि रंगा तो ऐसा ही है जैसे वह 6 माह पूर्व था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब वह गांव से पहली बार गया था। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी महिला जो उसके पास खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, अपना हाथ उसकी छाती पर फेरा। लुक इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखा एंड सेड और बोली, द जेनेवरा इज स्टिल देयर, जनेव अभी भी पहने हैं। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगास लाफ, इसके बाद वह चली गई। रंगा हंस दिया। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, लेग्स आइज एंड नोज, जब उन्हें महसूस कर लिया कि रंगा के हाथ पैर आंखें तथा नाक वैसे ही हैं, तो वे वहां से खिसक गए। जैसे द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह में रखी चीनी की डली घुलकर गायब हो जाती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, सभी लोग जा चुके थे। आई आस्क्ड हाउ आर यू, मैंने पूछा कैसे हो रंगप्पा, कैसे हो रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, सब कुछ ठीक है ना। इट वॉज ओनली देन आई दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब जाकर रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, वह मेरे निकट आया तथा सादर नमस्कार किया। सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, वह बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दया है। आई मस्ट ड्रा यू अटेंशन टू दिस
एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। मैं अपना ध्यान आप आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान रंगा के इस चारित्रिक गुण की ओर दिखाऊंगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली एक्सेप्ट पीपल्स वर्ड। वह जानता था कि कब किस व्यक्ति से बात करना है उसके लिए लाभकारी होगा। एज फार इज नमस्कार टू मी, वह लोगों का सही मूल्यांकन कर लेता था। जहाँ तक उसका मुझे नमस्कार करने की बात है, ही डिड नॉट डू लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने वह आज के बालक की भांति नहीं किया। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन स्टैंडिंग स्टिल लाइक अ पेल पोल विदाउट ज्वाइंट, जो अपना सर सूरज की ओर उठाए किसी खंभे की बांध अकड़ कर सीधा खड़े, जिसमें जैसे जोड़ ही ना हो। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वन आर अ वॉकिंग स्टिक, शरीर को झटका देते हुए मानो वह या तो हाथ में है अथवा कोई छड़ी, हाथ है अथवा कोई छड़ी। Nor did he merely fold his hands, ना ही उसने केवल हाथ जोड़े। He bent low to touch my feet, झुक कर उसने मेरे चरण स्पर्श किए। May you get married soon, परमात्मा करे तुम्हारा विवाह शीघ्र हो जाए। I said, blessing him, मैंने आशीष दी। After exchanging a few pleasantries, I left, कुछ हंसी दिल्लगी के बाद मैं वहां से चला गया। He did not do it like any present. That afternoon when I was resting, Rangas came to my house with a couple of oranges in his hand. अगले उस दोपहरी को जब मैं विश्राम कर रहा था, रंगा मेरे घर दो संतरे लेकर आ गया। A generous, considerate fellow, उदार सहृदय बालक था। It would be a kind thing to have him marry, अच्छा होगा यदि उसका विवाह हो जाए। और settle down and be of service to society, और वह समाज की कुछ सेवा करे। I thought, मैंने सोचा। For a while we talked about this and that. Then I came to the point. उस समय तक हमने इधर उधर की बातें की, फिर मैं काम की बात पर आ गया। रंगप्पा, when do you plan to get married? रंगप्पा, तुम कब विवाह करना चाहते हो? I am not going to get married now. अभी तो विवाह नहीं करना चाहता, he said. उसने कहा। Why not? पर क्यों नहीं? I need to find the right girl. मुझे सही लड़की की जरूरत है। I know an officer who got married only 6 months ago. मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसने केवल 6 माह पूर्व ही विवाह किया था। He is about 30 and his wife is 20. वह स्वयं 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की। I am told they will be able to talk lovingly to each other. वे एक दूसरे से प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक बातें कर सकते हैं। Let us say I married a very young girl. मान लो मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लेता हूँ। She may take me verse spoken in love as verse spoken in anger. वह शायद प्यार से बोले मेरे शब्दों को, क्रोधावेश में बोले वचन समझ ले। Recently I took in Bangalore stage the play
शकुंतला। पिछले दिनों बंगलौर के एक नाट्य मंडली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया। इफ सी वर यंग, यदि शकुंतला छोटी होती, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदासा प्ले। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। इफ सी वर एंग, तो दुष्यंत का भी उससे प्यार नहीं करता, इतनी छोटी जैसे कि आज की पत्नियां होती हैं। लाइक द प्रेजेंट डेज ब्राइड्स, इतनी छोटी की जैसे आज की पत्नियां होती हैं। इज देयर, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदासा प्ले, तो फिर कालिदास के नाटक की रचना कैसे होती। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई विवाह व्यक्ति विवाह करे, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, तो ऐसी लड़की से जो परिपक्व हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अथवा कुंवारा ही रहना ठीक रहेगा। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई अन्य कारण भी है। A man should marry a girl he admires, लड़का उसी से विवाह करे जिसे वह पसंद करता हो। What we have now are arranged marriage, आजकल तो आयोजित विवाह का चलन है। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and bitterness on the other, भला ऐसी लड़की हम किस प्रकार सराहना कर सकते हैं जिसके एक गाल पर दूध के धब्बे हों तथा दूसरे गाल पर गीलापन। आज सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, अथवा वह इतनी छोटी हो कि वह अपना नाखून कुतरना भी नहीं जानती हो। वंस अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड, एक तो नीम का फल तो दूसरा कड़वा कद्दू या करेला। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल ठीक रंगा हंसता हुआ बोला। आई वॉज डिस्टर्ब्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर, वह ब्रह्मचारी रहना चाहता है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ समय तक और बातें करके रंगा एंड लेफ्ट रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने तभी सोच लिया था कि दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसका विवाह कराकर दम लूंगा। रामाराव सेन नाइस अ पार्टी प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामाराव की भांजी 11 वर्ष की लड़की हैड कम टू स्टे विद हिम, उसके पास रहने आ गई। सी वाज फ्रॉम अ बिग टाउन, वह बड़े नगर से आई थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वह वीणा तथा हारमोनियम बजाना जानती थी। सी आल्सो हैड स्वीट वॉइस, उसका स्वर भी मीठा था, मधुर था। बोथ हर पेरेंट्स, उसके माता पिता हैड डाइड, का देहांत हो चुका था। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल उसे अपने घर ले आए। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए सही वर है। एंड सी और लड़की द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, उसके लिए सर्वदा उपयुक्त पत्नी। सिंस आई वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, चूँकि मैं रामाराव के घर अक्सर आता जाता रहता था। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विथ मी, लड़की मेरे साथ खुलकर बातें करने लगी थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। रत्ना, इट वॉज रत्ना उसका नाम था। नेक्स्ट द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव बाय, अगली प्रातः मैं
उसके घर गया तथा रामाराव की पत्नी को बताया, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं कुछ छाछ आपके लिए भेज दूंगा। आस्क रत्ना टू फेस इट, रत्ना से कहना कि आकर ले आए। ठीक है बच्चों, ये खत्म हो गया ने पहला पार्ट। नेक्स्ट भाग में अगला पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट भाग में आप लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।